नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपका बता दूं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज सुबह से स्टार्ट हो गई है। आपको बता दूं, मतदान आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम को 5:30 बजे तक किया जाएगा। साथ ही उसके बाद में चुनाव के परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज शनिवार को होगी। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक किया जा सकेगा। मतदान खत्म होने के फौरन बाद मतों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। वोटिंग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। मतगणना के बाद चुनाव के परिणामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। अब 4 अक्टूबर को उप सरपंचों का चुनाव होगा। आपको बता दूं कि दूसरे चरण में 1028 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। मतदान से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया है। आयोग के आयुक्त ने कोरोना प्रोटोकॉल संबंधी जरूरी निर्देशों का पालन करने की नसीहत दी है। इसी के साथ ही वोटिंग डालने आए लोगों को मास्क लगाकर इधर बाड़मेर जिले के शिव पंचायत समिति के काश्मीर ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 से वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों द्वारका राम का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। इसके बाद से परिजन लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने एक दिन पहले ही शिव थाना पुलिस में प्रत्याशी के गायब होने की शिकायत दी थी। इसके बाद गुरुवार सुबह खेत में द्वारका राम का शव पाया गया। परिजनों का आरोप है कि वार्ड पंच प्रत्याशी की हत्या की गई है। वहीं परिजनों ने पुलिस को बताया कि बकरियां चरा रहे ग्वालों ने बताया कि यहां पर सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी आई थी। द्वारका राम को गाड़ी के पास बुलाया गया। इसके बाद क्या हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।